इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान ने अमेरिका सेना के बेस पर 9 रॉकेट दागे हैं। ईरान ने अमेरिकी सेना के बेस पर ये रॉकेट दागे हैं, तो बताया जा रहा है कि पेंटागन में भी हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस हमले पर पूरी नजर है। अमेरिका ने 2 सैन्य ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। ट्रंप हमले की रणनीति भी बना रहे हैं। तो लगातार अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो युद्ध की संभावना की ओर जो है ये दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। तो इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला, ईरान की तरफ से अमेरिकी सेना के बेस पर 9 रॉकेट दागे गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस हमले पर पूरी तरह से नजर बनी हुई है। तो एक बार फिर से यहां पर अमेरिका को निशाना ईरान की तरफ से बनाते हुए बेस कैंप पर 9 रॉकेट ईरान ने दागे हैं। तो अमेरिकी ठिकानों पर यह हमला ईरान की तरफ से, पेंटागन कर रहा हमले के जवाब देने की तैयारी। तो पूरी तरह से ट्रंप भी हमले की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि किस तरह से इसकी जवाबी कार्रवाई की जाए। तो लगातार ईरान और अमेरिका में ये तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है।